हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, हम वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के यूजर फॉर्म पे बात करेंगे ऑटो सजेशन की। जी हाँ, चेक बॉक्स या लिस्ट बॉक्स कुछ भी करते हैं तो उसमें हम ऑटो सजेशन की बात करेंगे कि ऑटोमेटिकली सजेशन आ जाए और उस सजेशन को यूज कर सके। तो कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में समझ में ना आया, दोबारा जरूर देखिएगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर सामने स्क्रीन पे है, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। चलिए चलते शुरू करते हैं। मेरे पास सिटी लिस्ट है और मैंने डेवलपर में मैं जा रहा हूँ, और डेवलपर में जाने के बाद मैं विजुअल बेसिक इंसर्ट यूजर फॉर्म में मैंने एक कॉम्बो बॉक्स तैयार करता हूं। यहां से कॉम्बो बॉक्स, अब कॉम्बो बॉक्स में मैं, अब जैसे कि मैंने कॉम्बो बॉक्स में यहां पे बोलता मैंने लगाया यूजर फॉर्म इन स्लाइड पे, और हमने बोला कि भाई जैसे फॉर्म ओपन हो तो यहां पे फोर आई इक्वल टू चले 22 रेंज ए 65,000 डॉट एन एक्सएलएस अप डॉट अप रो। लूप को हमने दे दिया, अब पैसा जाके जगह पे 10,00,000 भी कर सकते हैं, और फिर हमने कर दिया मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट एड आइटम, और यहां पे हमने कर दिया सिंपल सा रेंज ए के साथ हमने बोला आई को कमांड कर दिया। ये तो हमने नॉर्मल लोड कर लिया। तो जैसे हम इस फॉर्म को इनिशियलाइज करेंगे तो ये हमारे पास ये लोड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि जैसे कि हमने पूजा देखा, तो यहां पे देखिए दिख रहा है हम यहां पे पी ए टी, हम या फिर मैं एक काम करता हूँ और आर जे रायपुर एम जे मुजफ्फरपुर, तो ये ऑटोमेटिक आपका ऑटो सजेशन आ जाता है कॉम्बो बॉक्स में। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना है, जब आप इसको करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे टाइप करते जाना है। क्या करें, मैंने क्या किया, हमने इसको जस्ट ऑल्ट के साथ डाउन किया है। जी, ऑल्ट के साथ डाउन कर्सर किया है, और यहाँ पे हमारे पास देखिए ओम नहीं है तो नहीं आया। मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं डालना चाहता हूँ दिल्ली, तो जैसे मैं दिल्ली डालते जाऊंगा यहाँ पे ऑटो सजेशन हमें आता है। तो ऑटो सजेशन के लिए कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको एक खुद ब खुद दे देता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑटो सजेशन आए क्योंकि कॉम्बो बॉक्स है, इसलिए आ रहा है। हमें टेक्स्ट बॉक्स पे तो नहीं ना आएगा। जैसे टेक्स्ट बॉक्स की मैं बात की, मान लीजिए मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स यहां से ऐड करता हूं, कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर। अब टेक्स्ट बॉक्स पे मैं चाहता हूं कि जैसे मैं यहां पे पी ए लिखा तो पी ए से पटना, पानीपत, ये सारा लिस्ट आ जाना। कैसे का? क्योंकि लिस्ट बॉक्स इसमें कॉम्बो बॉक्स में तो ये सिलेक्टेड है ना कि भाई जो सिटी होगा वही डालेंगे, जो नहीं होगा तो एक्सेप्ट लेगा ही नहीं होता। सो वो कैसे करें, तो इसके लिए हम यहां पे एक नया लिस्ट बॉक्स नीचे लेते हैं। नीचे लिस्ट बॉक्स ले लिए और इसके विजिबिलिटी हम कर देते हैं, ये कर देंगे फॉल्स, ये बाय डिफॉल्ट अनविजिबल होगा, और इस पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले इसे चेंज होगा मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट क्लियर, पहले क्लियर करेगा। उसके बाद क्लियर करने के बाद यहां पे मैं बोलता हूं कि डिम डीपी एज
न्यू, क्योंकि यूनिक होना चाहिए ना, इसलिए न्यू कलेक्शन। नहीं और यहाँ पे कलेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसमें जो सिटी लिस्ट है उसको यूनिक रखिएगा। फिर यहाँ पे हम करेंगे फोर, ये जो हमने नीचे लूप लगाया हुआ है सेम लूप आएगा और सब कुछ सेम आएगा, बट इसमें जो ए है ये हट जाएगा। इसको यहाँ पे इफ कंडीशन में आप यहाँ पे पहले सी इक्वल टू सी ओ इंटू काउंट, यहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए। हाँ मैं पापा ऊपर करे छे, ऊपर करे रहे, ऊपर से नीचे आई है, हर एक घर के सॉकेट वगैरह माने कि प्लग व्लग सब चीज चेक करवा लिए, ठीक है करे दे, इसे हम बता दे रहे थे काम, लेकिन नीचे के काम से करवा लिए, नीचे कर लिए कर दे ला। तो यहां हमने एक यहाँ पे काउंट ए, हमें काउंट ए नहीं, यहाँ पे काउंट इफ और काउंट इफ में हम देंगे रेंज, इसमें सीट का रेफरेंस डाल दीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, मैं फिलहाल तो पूरा रेंज दे देता हूँ ये भाई ए, और हमने बोला स्टार लगाया मैं इसके बाद मैंने देखा हूँ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, इसके साथ हमने यहाँ पे स्टार यूज कर दिया। हेलो हाँ सब करवा ली है, पूरा दिन के लिए है जो करवा करवा ली है, हम काम करे थे तीन, मैं कैसे काम छोड़ के चलाओ, तीन दिन से छुट्टी में बैठा रहती आज छुट्टी कर लो का, अरे ना अरे ना। और यहां पे हमने मी डॉट टेक्स्ट वर्क्स वन नहीं, हाँ देखो मैंने डाला लगा दिया मैंने, अब देखिए कि स्टार्ट विथ हो गया है, स्टार्ट विथ हो गया, इसमें लग रहा है हमने स्पेस यहाँ पे बाइक लगा हुआ था, उसके बाद मैं यहाँ इफ लगाऊंगा कि इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं जीरो नहीं ग्रेटर देन जीरो देन, अब यहाँ पे लिस्ट बॉक्स की जगह पे हम कंबोस की जगह पे लिस्ट बॉक्स दे देंगे, लिस्ट बॉक्स वन डॉट एड आइटम डॉट वैल्यू और यहाँ पे एंड ए, और यहाँ पे हम कर देते हैं me dot list box one dot visual equal to true, ये तभी दिखेगा जो हम टाइप करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करते हैं और बोलते हैं जब क्लिक हो तो me dot list box one डॉट लिस्ट बॉक्स नहीं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू और मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट विजुअल, इसकी जो विजुअलिटी है
इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा मतलब। अब देखिए खोलता हूँ, देखिए यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक किया और जैसे मैंने पी ए टी, ये क्या हो गया, पी ए टी आना चाहिए था ना, हमने टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट चेंज तो यहाँ पे लिखा टेक्स्ट बॉक्स मी डॉट क्लियर, ओ माफ के लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर लिखा तो है मैंने, लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर एंड लिस्ट डॉट विजिबल, और फिर मैंने बोला कि टू से चले होता। ओ हाँ एक छोटी सी मिस्टेक है, हमने यहाँ पे c इक्वल टू जीरो नहीं किया, यहाँ c इक्वल टू जीरो करेंगे क्योंकि c पे वैल्यू एक बार स्टोर हो गई तो रहेगा ही रहेगा ना, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे क्लिक किया जैसे p डाला आ गया p a t, पटना हाँ तो हो गया, छोटी सी मिस्टेक कोड में हो रहा है, लिस्ट बॉक्स दिया विजुअल है टू से चले, एप्लीकेशन सी इज ग्रेटर द एप्लीकेशन डॉट काउंट इफ रेंज टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू के साथ हमने स्टार ऐड कर दिया, if c is greater than 0 then this box dot add item a ke sath i and if next i aur text box one ke change har ek change mein hone wala figure ye hona chahiye tha। एक काम तो कर रहा है लेकिन सही रिजल्ट से पी ए कर दिया, तो ये पी ए से स्टार्ट होने चाहिए था, इसको सेव आना चाहिए, लेकिन इसने हैदराबाद क्यों रख रखा है समझ में आ रहा है, वो छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, नहीं सही तो है, एक एक करके चेक कर रहा है। ओ हाँ यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे अब समझ में आ गया प्रॉब्लम, यहां पूरा रेंज नहीं होगा, यहां पे होगा, ये मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना पड़ रहा है, मैं तोते की तरह रटा हुआ नहीं था कि मैं आपको वीडियो में सारा कोड डाल दूं, तो प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम पूछा, मैं ऐसे से बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी गलतियां हो रही है, तो ऐसा मत समझिए कि मैं थोड़ा सा फंस रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में दिक्कत होती है, कोई भी अगर फर्स्ट टाइम भी कोड लिखता है तो पूरा परफेक्ट कोड नहीं लिख सकता है। ए के साथ हम यहाँ पे आई कर रहे हैं तो एरर फाइन हमारा हो गया, अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने पी देखा, पी के जितने भी आ गए पी ए टी आ गया, पटना आ गया, ऐसे में इसको डिलीट किया पूरा आ गया, दिल्ली दिल्ली आ गया, ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लीजिए कि लिखता हूँ ईटानगर, ईटानगर आ गया, ईटानगर को मैंने सेलेक्ट किया, ईटानगर आ गया, यहाँ पे हट गया, ये एक्टिव कब होगा जब कोई चेंज करूंगा, तो नीचे जो लिस्ट बॉक्स है तभी आएगा जब आपको चेंज करेंगे, जैसे चेंज जैसे आप अपडेट कर देंगे वो लिस्ट हट जाएगा, जैसे डिस्पो डाल दिया हट जाएगा। तो कॉम्बो बॉक्स में आप इसको करने की इसकी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाता है और इसमें आपको करना पड़ता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फीचर। तो हमने कोड को कैसे किया मैं बता रहा हूं आपको,
मैं वापस जाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा चेंज करना है कि मुझे यहाँ पे रेंज और आई लिखना है। जी हाँ, रेंज के साथ आई और फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू के साथ कंक्लूड कर देना है। सी इक्वल टू 0 यहाँ होना चाहिए था। तो कोड हमारा परफेक्टली हो गया। अब देखिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। अब मैंने इसको जैसे यहाँ पे P8 लिखा, कितना आ गया। ऐसे मैं DLI दिल्ली लिखूंगा, दिल्ली आ जाएगा। ऐसे में यहाँ पे FAG फरीदाबाद से कुछ नहीं है, GUR गुड़गांव से भी नहीं है, लिस्ट नहीं है, सिटी का लिस्ट नहीं है। हाँ, मुंबई करता हूँ तो मुंबई आ जाता है, मुजफ्फरपुर भी आ रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं। और जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैंने मुजफ्फरपुर किया, मुजफ्फरपुर को सिलेक्ट कर दिया तो वो लिस्ट हट जाएगा। तो जो नीचे जो लिस्ट बॉक्स है तभी एक्टिवेट होगा जब हम यहाँ इसमें कुछ चेंज करेंगे। चेंज करते ही वो क्या करेगा, वो काउंट इफ करेगा। काउंट इफ में वो स्टार लगाया हुआ है ताकि वो स्टार्टिंग में जो वर्ड हम ढूंढ रहे वो होना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे दिख जाएगा। इसमें और भी थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि मैं इसको थोड़ी सी फर्स्ट टाइम मैंने इसको बनाया है, मैंने इससे पहले इस तरह के प्रोग्राम पर कभी काम नहीं किया था ऑटोसेशन बॉक्स में, क्योंकि मुझसे कोई पूछता था तो सिंपल होता था यार तुम कॉमा बॉक्स ले लो, बट किसी ने भी बोला कि नहीं कॉमा बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने इसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लिस्ट बॉक्स बनाया और हमने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर इसलिए हमने एक कोड सारे की। थोड़ी सी गलती हुई कोड में कि मैंने यहाँ पे पूरा कॉलम ए का रेंज दिया था, यहाँ नहीं कॉलम ए का रेंज ना देखे, सिर्फ ए से आई करना था। और दूसरा गलती यहाँ पे था कि हमने सी इक्वल टू 0 नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम जब कोडिंग करते हैं तो बड़े से बड़े एक्सपर्ट को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि प्रिपेयर नहीं होता है। अब मैं इसको सेकेंड टाइम करूंगा तो ये प्रॉब्लम याद रखूंगा। तो आप भी मेरे साथ इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी वीक ले सकते हैं, साथ में हमारी पेन ड्राइव को भी परचेज कर सकते हैं, जूम के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, या किसी भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, स्काइप कीजिए, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू।